गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं एक नए बॉडी केयर ब्रांड के बारे में बात करने वाली हूँ, विच इज़ अजानी एक्टिव केयर। एंड मैं इसके दो प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में बात करूँगी एंड उन्हें रिव्यू भी करूँगी इस वीडियो में। बट बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो, प्लीज़ गो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हेल्प मी ग्रो। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यू कैन गो चेक इट आउट एंड फॉलो मी देयर बिकॉज आई एम सुपर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। So, without any further ado, let's get into the video and let's get started. So, जिस ब्रांड के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, इट इज़ अजानी एक्टिव केयर। एंड उसके जिन दो प्रोडक्ट्स के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ, इट इज़ देयर फोर्टिफाइंग हेयर सीरम एंड द एक्ने कंट्रोल क्लैरिफाइंग सीरम। सो सबसे पहले बात करते हैं हेयर सीरम की। नाउ आई हैव प्रिटी लॉन्ग हेयर एंड लंबे बालों की केयर करना जितना ईजी लगता है उतना ईजी है नहीं। एंड स्पेशली वैन इट्स सो डेंस, देन यू नीड एक्स्ट्रा केयर फॉर योर हेयर। शैम्पू कंडीशनर तक तो ठीक है, बट आई ऑलवेज नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ माई हेयर एंड दैट एक्स्ट्रा केयर कम्स फ्रॉम अ हेयर सीरम। सो अ गुड हेयर सीरम इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो बात करते हैं अजानी एक्टिव केयर के फोर्टिफाइंग हेयर सीरम की। सो आई हैव बीन यूजिंग दिस हेयर सीरम फॉर अराउंड 2 weeks नाउ एंड उसी के बाद मैं इसे रिव्यू कर रही हूँ। इसे यूज करने के बाद आई कुड फील कि माई हेयर हैज बिकम सॉफ्टर, इट हैज बिकम शाइनियर, स्ट्रॉन्गर एंड मुझे विजिबल डिफरेंस भी लगा हेयर फॉल में। आई एम नॉट किडिंग एट ऑल, आई एम सो हैप्पी विद दिस हेयर सीरम। मैं इसके आउटर पैकेज की बात करूँ, इट हैज़ अ वेरी सिंपल ब्लैक एंड वाइट, सिंपल गेट क्लासी आउटर पैकेजिंग एंड आई वुड ऑल्सो कॉल दैट वेरी इन्फॉर्मेटिव। वाई? बिकॉज अगर आप इसके पैकेज को देखो तो इसके फ्रंट साइड पे दे हैव मेंशन द इंग्रेडिएंट्स जो इस हेयर सीरम में है एंड ऑल्सो कि ये क्या काम करता है। सो अगर आप इसको टर्न ओवर करोगे देन ऑन द नेक्स्ट साइड everything has been explained in detail, the product benefits, ingredients and how you can use it. And also one more thing which is very important when you look out for any hair care or skin care product is that it should be cruelty free, SLS free, sulfate free, paraben free. So इस सीरम का प्राइस इज 399 रुपीज़, विच आई फील इज प्रीटी डिसेंट एंड सेल पे आपको 299 रुपीज़ का पड़ जाएगा। ऑल्सो इसकी क्वान्टिटी दैट यू गेट इज 50 ml। सो इसके इन्ग्रीडियंट्स मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इट हैज़ बायोटिन, केरेटिन एंड रिडेंसिल। सो बायोटिन, यू नो दैट बायोटिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B7, बहुत हेल्प करता है हेयर रीग्रोथ में। बायोटिन की डेफिशिएंसी की वजह से हेयर थिनिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा बायोटिन के सप्लीमेंट्स लेते हुए फॉर हेयर ग्रोथ। सो दिस सीरम एक्चुअली हैज़ बायोटिन। सो बायोटिन हेल्प करता है हेयर को थिकन करने में एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स ग्रोथ। नेक्स्ट इज केरेटिन। सो केरेटिन प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को एंड रिड्यूस करता है हेयर फॉल। केरेटिन ऑल्सो इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ योर हेयर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज रिडेंसिल। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इस इंग्रेडिएंट के बारे में नहीं सुना था, बट व्हेन आई रेड अबाउट इट आई केम टू नो दैट रिडेंसिल हेयर ग्रोथ प्रमोट करने के काम आता है। तो इट बेसिकली एम्स एट द हेयर फॉलिकल सेल्स टू री इनिशिएट द हेयर डिविजन बाय स्टिम्युलेटिंग द इनिशियल हेयर ग्रोथ प्रोसेस। सो पैकेजिंग पे भी इसके यही यूजेस लिखे हैं कि इट promotes stronger, thicker, longer hair, reduces hair loss and restore thinning hair. So, इसमें और भी ingredients हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। It has niacinamide, onion oil, almond oil, amla oil, brahmi oil, vitamin E. इतने सारे ingredients हैं इसमें कि आपको अलग से hair oil करने की ज़रूरत नहीं है। It's a natural blend of all the essential oils. So, चलो आउटर पैकेज ओपन करते हैं एंड फाइनली लेट्स सी द हेयर सीरम। सो दैट्स हाउ द हेयर सीरम बॉटल लुक्स लाइक। सो इट्स अ ग्लास बॉटल, इट्स क्वाइट स्टर्डी एंड अगर मैं इसकी ट्रैवल फ्रेंडलीनेस की बात करूँ, यू कैन टेक इट अलॉन्ग एनीवेयर यू गो। अनदर ग्रेट थिंग इज दैट इट कम्स विद अ पंप एप्लीकेटर। सो आपको जितना प्रोडक्ट चाहिए आप सिर्फ उतना यूज कर सकते हो। एंड अगर मैं इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ, सो इट हैज़ अ वेरी माइल्ड फ्रेग्रेंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है इसका, विच आई रियली लाइक। सो लेट मी शो यू हाउ आई यूज़ दिस हेयर सीरम। सो जब भी आई वॉश माई हेयर आई ऑलवेज यूज 1 to 2 pumps ऑफ द हेयर सीरम
आई रब इट इन माई हैंड्स एंड फिंगर्स टुगेदर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट इवनली थ्रू माई वेट हेयर. तो आई डोंट अप्लाई इट ऑन माई स्कैल्प, आई ओनली अप्लाई इट अपने हेयर लेंथ पे एंड देन आई एम गुड टू गो. आई डोंट नीड टू वॉश इट ऑफ, आई जस्ट नीड टू कीप इट अप्लाइड एंड यू कैन सी कि आपके बाल सॉफ्ट एंड शाइनियर लगेंगे आफ्टर यूजिंग दिस हेयर सीरम. सो ये तो बात हो गई इस फोर्टिफाइंग हेयर सीरम की, काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सीरम के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अजानी एक्टिव केयर एक्ने कंट्रोल क्लैरिफाइंग सीरम. तो आई हैव एन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन एंड एवरी नाउ एंड देन पिम्पल्स तो होते ही रहते हैं. सो आई ऑलवेज ऑलवेज यूज एन एंटी एक्ने सीरम टू कीप माई एक्ने इन प्लेस एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट एनी फर्दर ऑनसेट ऑफ द एक्ने. सो मी एंड माई सिस्टर स्टार्टेड यूजिंग द सीरम अराउंड 2 weeks बैक. माई सिस्टर डज हैव सम एक्टिव एक्ने एंड शी कुड सी अ विजिबल डिफरेंस. उसके जितने भी एक्ने थे इट्स स्टार्टेड डायलिंग डाउन एंड नए एक्ने नहीं हुए. सो शी इज कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड विद दिस सीरम. अगर मैं इसके पैकेजिंग की बात करूँ तो इट हैज़ द सेम ब्लैक एंड व्हाइट पैकेजिंग, वेरी सिंपल, वेरी क्लासी. इसका सीरम का कॉस्ट इज 669 रुपीज एंड द क्वांटिटी दैट यू गेट इज 30 ml. सो लेट मी ओपन द पैकेज एंड शो यू द सीरम. सो दिस इज द सीरम बॉटल, इट्स वाइट इन कलर एंड इसके इंग्रेडिएंट्स आर सैलिसिलिक एसिड 2% एंड ग्लाइकोलिक एसिड 1%. इट हेल्प्स ट्रीट्स प्रोटेक्ट एंड हील योर एक्ने एंड प्रिवेंट्स फ्यूचर ब्रेकआउट्स. सो दिस इज फॉर योर ब्लेमिश प्रोन स्किन. एंड अगर मैं इसके एप्लीकेटर की बात करूँ, दे हैव गिवन दिस सिलिकोन ड्रॉपर एज एन एप्लीकेटर. एंड अगर मैं सैलिसिलिक एसिड की बात करूं, इट इज अ ग्रेट इंग्रेडिएंट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. सैलिसिलिक एसिड इज एन अमेजिंग पीलिंग एजेंट. सो इट बेसिकली sheds away the outer layers of your skin and aapke pores ko ye clean rakhta hai. So any onset of the acne is reduced. Now glycolic acid, great for dry dehydrated skin. So glycolic acid basically it breaks the bond between your outer layers of the skin which include the dead skin cells as well as the new skin cells and it also has an important peeling effect. It exfoliates your skin, skin ko smooth banata hai and also promotes collagen. So this is SLS free, it's paraben free and iske ingredients main aapko padke batati hu. It has DM water, vitamin E, organic willow bark extract, licorice extract, organic aloe vera extract, fermented carrot extract एंड salicylic acid, glycolic acid. इसका कलर इज वाइट. अगर मैं इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ, इट हैज़ दिस वेरी माइल्ड फ्रूटी फ्रेग्रेंस विच आई एब्सोल्युटली लव एंड इसका टेक्स्चर इट हैज़ दिस वेरी लाइट मिल्की टेक्स्चर. सो ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स. सो सीरम्स के बारे में मैं एक जनरल बात करना चाहूँगी. कोई भी अगर आप सीरम यूज़ करते हो एंड यू एक्सपेक्ट ओवरनाइट रिजल्ट्स, दैट्स नॉट करेक्ट. नो सीरम विल गिव यू ओवरनाइट रिजल्ट्स. आपको एटलीस्ट 2 हफ्ते, 4 हफ्ते और मे बी 2 months लग जाएंगे एक्चुअल रिजल्ट्स दिखने में. सो यू हैव टू बी पेशेंट विद दीज सीरम्स एंड द स्किन केयर प्रोडक्ट्स दैट यू यूज. सो आई हैव यूज दिस रिलीजियसली फॉर 2 weeks एंड अब फाइनली आई कैन सी सम रिजल्ट्स. सो आई विल शो यू हाउ टू यूज दिस. सो आफ्टर आई क्लेंज माई फेस, आई मसाज 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ सीरम ऑन टू माई ड्राई फेस एंड नेक. सो शुरू में आई यूज टू यूज इट फॉर 1 time a day and then you can move on further to using it 2 times a day after you feel ki haan this suits your skin. So yeah, that's about the hair serum and the face serum. I think maine quite detail mein isko acche se explain kar diya hai. So I will link both of these serums in the description box below. Aap inke link check out kar sakte ho, you can go buy them from the links. So that's it for my video guys. I hope you like this video. Like this video, share it with your friends and subscribe to my YouTube channel. I will see you in my next video. Till then, bye.